सुबह यहाँ पे चल रहा है हायरो का प्रैक्टिस। सुबह लगाऊंगी रॉ मिल्क मेरा जो डैंड्रफ के लिए। अगर आप मेरा हेयर केयर का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत कुछ काम है, आज गेस्ट भी आने वाले हैं, तो आज इतना बात नहीं करके अभी काम कर लेती हूँ, तो बस लगा लगा के ही बात करती हूँ। आज मैं एक टॉवल ऐसे रखी हूँ क्योंकि आज मुझे काम भी करना है, तो ये दूध अगर नीचे गिरता है ना तो हायरो खा लेता है, तो उसको एलर्जिक है ये दूध से, तो इसलिए मैंने टॉवल ऐसे बांध के रखी हूँ पीछे। जब मेरा ख़त्म हो जाएगा फिर रैप कर दूँगी। और मेरा ये हो गया है, अभी मैं टॉवल रैप कर लूँगी। और मैंने टॉवल रैप कर लिया है, तो अभी मैं जो सब काम बचा कुचा है कर लेती हूँ, टाइम को टाइम हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी। देखते देखते मेरा सब काम खत्म हो गया है, ए टू जी सब काम कर ली। अभी बस हायरो को खिलाना है, हायरो को मम्मी नहीं तो दीप खिला देंगे। मैं फिलहाल जा रही हूँ, नहा के आ जाती हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया है और ये सब सूख भी गया है पूरा। मैं रेडी हो गई हूँ, बाल तो सूखा नहीं है बट वैसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि दीप को करनी है हेयर कटिंग और मुझे आज करनी है आईब्रोज। बहुत दिन हो गया है मैं आईब्रोज नहीं करी। और हम लोग जो बोल रहे थे सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ ये है कि चलिए ये है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, इसीलिए शायद दीप कुछ प्लान कर रहा है क्योंकि आज कल से एक्चुअली मैं उसको थोड़ा सा गौर कर रही हूँ क्या है क्या है, वो बस बोल रहा है सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है। मैं भी इसलिए बोल दी थी सरप्राइज़ है, बट आज मैं उसको पकड़ ली हूँ, उसको मैं बोली नहीं हूँ अभी तक कि मैंने देख लिया है। वो MMT से कुछ बस वगैरह बुक कर रहा था, अभी तक कहाँ क्या मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को अभी तक वो कुछ भी नहीं बोला है, कुछ नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं क्या, बट ऐसे बोल रहा है कि सरप्राइज़ है। और दीप पूरा रेडी, चले चलो अभी क्या टीवी देखोगे। मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुम्हारा लगता है। भैया फट गए नंदन फिर तो नंदन ही लेगा। बताते हैं किधर है। हां ए दिखा 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 दिखा। वाह वाह दीप का क्या काटा, दीप का खुश हे बाल। यहां मेरा जो ये था ना सेलिब्रेशन, मैं थोड़ा पकड़ूं मैं लूंगी पनीर पफ, पनीर पफ। तुम केक ले लो ना। नहीं केक नहीं खाऊंगा मैं, फर्स्ट टाइम पाइनएप्पल पाई खाऊंगी। अच्छा ये भी तो अच्छा है, मैंने ये खा लो उसके बाद ये खाऊं, ये भी बहुत मीठा हो जाएगा। Much, much, much later. अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, यहाँ पे है पनीर आलू की सब्जी, यहाँ पे गुलाब जामुन और यहाँ पे है चिकन कोफ्ता और ये है पापड़ फिश मस्टर्ड देके और ये है फूलगोभी आलू के सब्जी। और यहाँ पे मैं इसे धो के इसको सुखा दी हूँ और यहाँ पे आटा भी डला होके रखा हुआ है, ये बनेगा गरम गरम होगा। वहाँ पे मैंने सब सेटअप बना दिया और राइस भी थोड़ा सा बनाए हैं, राइस है बस। और प्लेट्स भी मैंने सब निकाल के रख दिया है। तो मेरे बड़े पापा बड़ी माँ आ गए हैं और मैं रोटी बना रही हूँ और सब तो हो गया है, बस गरम गरम रोटी बनाऊँगी फिर हम लोग डिनर करेंगे। आज दीप पूरा टायर्ड हो गया है। क्यों बोलो? क्योंकि आज दीप पूरा बात कर रहा था, दीप बहुत अच्छे से होस्ट करता है। तो अभी बोल दो हम लोग कहाँ जाएंगे।
कहाँ जाएंगे? तुम आज जो छुप छुप के बैठ के कुछ कर रहे थे। अरे मैं ऐसे ही देख रहा था। झूठ बोला, अभी भी झूठ बोला। मन कर रहा मैं अभी तक पैकिंग भी नहीं की हूँ दीप। किस बात का पैकिंग? किस बात का पैकिंग? मैं कुछ न्यू ड्रेस भी नहीं ली हूँ। क्या चीज के लिए? पता नहीं क्या। मैं अगर ये बट दीप कुछ दिन से ड्रेस खरीद रहा है, खाली अपना जीन्स खरीद रहा है। क्योंकि मेरे सारे पुराने होंगे ना। वो चाहता है मैं कुछ अच्छे ड्रेस ना पहनूं। सही बोल रहा है। बकवास कर रहा है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा जल्दी सो जा रही हूँ, इसलिए मैं उसका फोन भी चेक नहीं कर सकती, नहीं तो चेक कर लेती। लो चेक कर लो, चेक कर लो। मेरा फोन दिन भर तुम देखते रहती हो। तुम्हारा फोन कुछ नहीं मां लुक। मैं इसका फोन पकड़ता भी नहीं हूँ, ये मेरा फोन चेक करते रहती है। ऐसी बात बोलोगे तो? हाँ यार। फिर आज का ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। करो एंड। बस तुम बोल दो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। नहीं पता, हम लोग नहीं जा रहे कहीं। अभी काम है, अभी कहाँ, काम के बीच में कहाँ जाएंगे। छोड़ो, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। जो मैरिज एनिवर्सरी? हैप्पी एनिवर्सरी। 4-5 साल हो गए क्या? हमारे बंगाली में एक कहावत है, पुरानो चाल भाते बने। पुराना चाल भाते बने, मतलब पुराना चीज ज्यादा किफायती होता है। तो वही तो। हाँ, तो तुम पुरानी हो गई और तुमको अभी कहीं पे लेके जाए नहीं जाए, फिर भी सब कुछ चलता ही रहेगा। तो तुम पुराने चाल हो गई हो, अब तुम भात में ऐसे भी बढ़ोगी। क्या बोल रहे हैं? जो बंगाली हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, प्लीज आप ये चीज एक्सप्लेन करके बताइए कि पुराना चाल भाते बारे का मतलब क्या होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इसको। पुराने चाल भाते बारे। पुरानो चाल भाते बारे। पुरानो चाल भाते बारे। हाँ, पुरानो चाल को इतना इतना केयर नहीं लेने से भी वो मतलब उसका। अच्छा अच्छा, समझी मैं। पुराने चाल का कुछ केयर नहीं करते, बट खाने में अच्छा लगता है। नहीं, पुराना चाल भाते बारे मतलब पुराना, जब चावल पुराना हो जाता है ना। हाँ। उसको जब तुम मतलब पकाती हो। हाँ। चावल बनने के बाद वो ज्यादा हो जाता है। ओ, तो फिर मैं क्या ज्यादा हो जाऊंगी? अरे तुम मेटाफोर को समझो ना। क्या बोल रहे, छोड़ो। और मुझे इतना पता है हम लोग कहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल तो बता ही देगा। आज का ये ब्लॉग आप यहाँ पे एंड करते हैं, और आप लोगों के साथ मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। और अगर और, आप और फॉलो मतलब और लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ, मैं एनालिटिक्स देख रहा हूँ, क्यों हम लोग को मतलब आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है। आप अगर नहीं अच्छा लग रहा तो बोलिए। आप अगर कुछ चाहते हैं हम उसके ऊपर बनाएं तो हम लोग वो बनाएंगे। एक्चुअली डेली ब्लॉगिंग में मुझे लगता है इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अगेन नहीं, हाँ एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि हम लोग आपको नेचुरली दिखाना चाहते हैं। आपको रॉ फुटेज ही तो है ना सारा। मतलब हम लोग कुछ मतलब वो मिलावट नहीं करते हैं। हाँ, मतलब बनावटी नहीं दिखाना चाहते कि नहीं ऐसा है वैसा है। हम लोग जो है मतलब जिस दिन हम लोग चावल रोटी दाल खा रहे हो उस दिन वही दिखाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों का और हमारा कनेक्ट ज्यादा बढ़े। एंड हम लोग बस आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी ना किसी वे में बस। एंड जो हो रहा है, जिस दिन गाड़ी खरीद उस दिन हम लोग दिखा रहे हैं, जिस दिन जो हो रहा है उस दिन हम लोग दिखा रहे हैं, जिस दिन कुछ भी नहीं हो रहा वो भी दिखा रहे हैं। तो आई थिंक बट लोगों को आई थिंक और देखना है कुछ। तो आप कमेंट करिए आपको क्या देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, प्लीज बताइए, ताकि हम लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके नहीं हम लोग एटलीस्ट जान सके कि आपको इंटरेस्ट। हाँ एग्जैक्टली, कौन सा कॉन्टेंट अच्छा लगता है। हाँ तो बट या हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लिटरली हम लोग ट्राई कर रहे हैं नए नए चीजें करने के लिए। बट जो भी आई थिंक यू नो, जो छोटा सा कम्युनिटी है, जो जिस वे में आप लोग शेयर कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सब लोग अपना कंसर्न्स, थॉट्स एंड यू नो सजेशन शेयर कर रहे हैं। आई थिंक लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे एंड ये हमारे एनालिटिक्स में ही दिख रहा है। अभी पता है हम लोग का लास्ट 87% नॉट सब्सक्राइब थे, अभी वो बढ़ के 91 या 90.9 ऐसा कुछ हुआ था मैं लास्ट जब देखा था। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड बिकॉज ये एक्चुअली ये होता क्या है, सब्सक्रिप्शन वाला जो चीज है ना, मुझे जितना समझ में आया, तो सब्सक्रिप्शन में होता क्या है कि लाइक आप जब सब्सक्राइब करते हो देन यू नो इट हेल्प्स अस आवर वीडियोस रीच मोर पीपल, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट दिस मोमेंट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यू नो रीच आउट टू मोर पीपल। एंड इसीलिए सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उतना ही इंपॉर्टेंट है, एंड शेयर ऑफकोर्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट यू नो लाइक अगर आप शेयर भी नहीं करते हो, लाइक और सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो प्लीज, हमारा बहुत छोटा सा कम्युनिटी है, बट हम लोग बहुत ही छोटा हमारा चैनल है अभी, बट इसको ग्रो करने में बस आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज हेल्प करिए एंड तुम एंड करो. और क्या, और आपके साथ मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में. टिल देन, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर.